हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त रोहित अमन। तो गाइस, आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं स्प्लेंडर के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे मेरे पीछे स्प्लेंडर प्लस है। एंड गाइस, इस गाड़ी का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू हम करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आज मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्प्लेंडर में i3s भी आता है और नॉन i3s वर्जन भी आता है। बट गाइस, आप लोगों को कौन सा वर्जन लेना चाहिए, कौन सा वेरियंट जो होता है गाड़ी का जो सही रहता है, सबसे बड़ी बात, आपको i3s लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो गाइस इसके ऊपर मैं एक डिटेल में आज बात करने वाला हूं। एंड साथ ही साथ आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं। तो गाइस, सबसे लास्ट में ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक मैं एक वॉक अराउंड के लिए आप लोगों को यहां पे वॉक अराउंड दिखाने वाला हूं। तो गाइस, बिना वीडियो को स्किप करें, बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको i3s के बारे में मेन जो जानकारी है वो सारी मैं दे सकूं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, क्योंकि गाइस ये गाड़ी सबसे पहली गाड़ी है हमारे चैनल की जो कि आपके प्यार की वजह से ही हम लोगों को मिल सकी है। एंड गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाइकोपीडिया का स्टिकर भी हम लोगों ने लगवा दिया है। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं अपने रिव्यू को। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टायर की प्रोफाइल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टायर की प्रोफाइल में गाइस, यहाँ पे आपको 80x100 का यहाँ पे टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 18-inch अलॉय व्हील सेटअप के ऊपर है। एंड गाइस, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे TVS टायर्स की यहाँ पे प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइस, ये एक ट्यूबलेस टायर है, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम जो आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, जो कि 60-40 का रेशियो पे डिपेंड करता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो आप देख पा रहे हैं, तो गाइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे जो फ्रंट मडगार्ड है, उसी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने रिफ्लेक्टर दे दिया है, जो कि दोनों ही साइड पर है। और मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ, दोनों ही साइड पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। प्लस अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, तो गाइज़ ये जो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दे रखी है मडगार्ड, मेरे को बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है, जैसा कि पहले गाड़ी में आता था। तो चलिए गाइज़, बात कर लेते हैं इसके फ्रंट मास्क के बारे में। तो गाइज़, ये जो आप वाइज़र देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मल वही पहले जैसे सब कुछ ग्राफिक्स वगैरह सारा सेटअप वही है, स्प्लेंडर का नाम वैसे ही आ रहा है। एंड यहाँ पे वही लाइट्स दी हुई है, जो कि अपन जिसे कहते हैं हैलोजन लाइट्स। तो गाइज़, ये हैलोजन लाइट के बारे में मेरा एक फीडबैक है ज़रूर, क्योंकि गाइज आजकल आप लोग सभी जानते हैं कि इसका कैसे आप लोग आफ्टर मार्केट क्या अपडेट्स करवा रहे हैं। तो गाइज मेरा कंपनी से फीडबैक यही है कि जैसे कि भले ठीक है 1000-1500 रुपये और ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारे को आफ्टर मार्केट करवाना पड़ रहा है गाइज, वो यहाँ पे कंपनी करके दे सकती है, जैसे कि इसका LED हेडलाइट कर देना। तो गाइज ये एक अपडेट हो सकता है, या फिर हो सकता है ये फ्यूचर में आने वाला हो। तो गाइज ये मेरा एक इंप्रूवमेंट पॉइंट है, जो मैं कंपनी से नीड टू इम्प्रूव के लिए मैं दे सकता हूँ। एंड इसके साथ सेम वही आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ हैंडल बार के ऊपर वैसे ही सेम आपको पहले जैसे ही आपको साइड मिरर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं। बात कर लेते हैं गाइज इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब कुछ एनालॉग वही पहले के जैसा है, बिल्कुल कोई नया चेंज नहीं आया है। साथ ही साथ बस इसमें एक चीज़ और डाल दी गई है, जैसे कि यहाँ पे साइड स्टैंड का सेंसर है। और ये किस तरह से काम करता है गाइज, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पॉइंट मुझे ये लगा है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे एक नया इंजन सेंसर ज़रूर डाल दिया है इन्होंने, ताकि इंजन के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, कोई भी दिक्कत हो अगर गाड़ी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं। एंड डायरेक्टली आपको भी चल जाता है कि गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। एंड साथ ही साथ वही हाई बीम लो बीम के लिए जो लाइट है यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ न्यूट्रल साइन दिया हुआ है, पेट्रोल साइन दिया हुआ है, सब कुछ एनालॉग में है। एक नया पॉइंट है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, इस साइड पे आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बट ये चीज़ गाइज मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के लिए लगी कि इसके अंदर क्या करना चाहिए था, कि जैसे अभी लाइक मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो चीज़ है गाइज, ये आज नहीं तो कल आपको भी पता है गाइज ये कितने दिन चलने वाला है। तो ये चीज़ मेरा एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि कंपनी को इसको ऐसे अपसाइड डाउन नहीं देना चाहिए था, इसको कहीं पे दे सकते थे, लाइक यहाँ पे कुछ हैंडल बार पे कहीं ना कहीं इसको सेट कर सकते थे, ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल रहे। अभी ये जैसे कि है, अभी जैसे मान लीजिए ये टूट भी जाता है, तो गाइज सबसे पहले पानी जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है। तो ये एक मेरे को थोड़ा लगा कि इसको थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है गाइज़, वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, मतलब इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी जैसे आप गाड़ी धुलवाएंगे भी, तो भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के अंदर आने वाली है, जैसे कि अगर ये टूट गया तो गाइज़ किस तरह से ये साइड स्टैंड सेंसर इसमें काम करता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये गाइज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगा है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसका इग्निशन स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे कि मैं साइड स्टैंड हटा देता हूँ, जो कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, बट मैं अभी हटा के ही दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने
गाड़ी स्टार्ट कर ली है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैंने गियर डाला तो ये गाड़ी चलने वाली पोजीशन में आ जाएगी। बट अगर आपका साइड स्टैंड किसी भी कंडीशन में लगा रह गया है तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं गाइस मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है साइड स्टैंड के लगते ही। अब मैं आपको इसी कंडीशन में दोबारा से स्टार्ट करके दिखा देता हूं। अब जैसे लेट सपोज आपने की ऑन किया, बिना साइड स्टैंड हटाए गाड़ी को स्टार्ट किया, ये स्टार्ट भी हो जाएगी। बट जैसे ही आप लोग गियर डालते हैं वैसे ही ये गाड़ी बंद हो जाती है। तो गाइस ये मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सेंसर को यहाँ पे लाया गया है। तो गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है, अब आपसे कभी कोई गलती होने के चांसेस बचे ही नहीं है। तो चलिए गाइस यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आपने को हैंडल बार में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा एक सेल्फ स्टार्ट बटन देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे I3S ऑप्शन और आता है अगर मैं टॉप मॉडल में जाता हूँ तो। बट हमने यहाँ पे I3S क्यों नहीं लिया इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, वो वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिखा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम सेट करने के लिए बटन मिल रहा है, इंडिकेटर मिल रहा है एंड साथ ही साथ में आपको हॉर्न स्विच मिल रहा है। बट अब इसके अंदर गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि यहाँ पे हेडलाइट स्विच मिलता था तो अभी इसको हटा दिया गया है। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पे मुझे एक पॉइंट लग रहा है कि पास बल्ब जरूर होना चाहिए। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है यहाँ पे पास बल्ब होना चाहिए, क्योंकि गाइस सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको पता है हाईवे पे गाड़ी जब चलती है तब हॉर्न नहीं पास बल्ब काम आता है। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा जरूरी मुझे लग रहा है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम से काम चलाना पड़ता है लोगों को। तो ये एक मेरा पॉइंट है, जैसे कि पैशन में भी दिया गया है, पैशन भी 100cc और 110cc में आती है, तो उसमें भी आपको पास बल्ब देखने के लिए मिल जाता है, तो फिर इसमें क्यों नहीं। तो गाइस ये मेरा एक पॉइंट है, मैं कंपनी को बताना चाहूंगा कि प्लीज इसके अंदर पास बल्ब जरूर डालें। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसके ओवरऑल लुक के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, इसका 9.8 लीटर्स का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। सिटिंग पोस्टर सेम है, कोई खास चेंजेस नहीं है, दो जनों के लिए इनफ है सबसे बड़ी बात। इसके साथ साथ यहाँ पे गाइस ये एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वायरिंग है क्लियर दिख रही है, दोनों ही साइड से यहाँ पे वायरिंग बहुत अच्छे से दिख जाती है। तो गाइस ये मैं एक पॉइंट के तौर पे बोलना चाहूँगा कंपनी से कि अब जैसे इसको कवर नहीं किया गया है बिल्कुल भी, जिस तरह से सर्विस में बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ सकती है और अक्सर ये कभी कभी निकल ही जाते हैं, तो गाइस वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सब इंजन के सेंसर्स हैं, तो गाइस इसको कवर किया जा सकता था बट यहाँ पे कंपनी ने कवर नहीं किया है। अब वही कॉस्ट कटिंग के लिए अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट कटिंग इसका मेन पर्पज़ हो सकता है क्यों कवर नहीं किया गया, तो गाइस मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाहूँगा, बट जो भी है आप लोगों को साफ पता है कि क्यों इसको कवर नहीं किया गया होगा। तो गाइस यहाँ पे इंजन अपने को 97.2cc का यहाँ पे मिल जाता है, जिसे अपन राउंड फिगर 100cc भी कहते हैं। और बाकी आप देख पा रहे होंगे कुछ भी नए चेंजेस नहीं किए गए हैं, वायर्स का एक प्रॉब्लम था वो मैंने आपको दिखा दिया था। एंड इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका ओवरऑल लुक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगेन वही वायर का प्रॉब्लम, जैसे कि ये सारे वायर्स ऐसे निकल रहे हैं स्पार्क प्लग, एंड ये जो इंजन का सेंसर वायर है गाइस ये ऐसे ही बाहर निकला पड़ा है। इसके बाद आप ये ग्रीन वायर्स भी देख रहे होंगे बीच बीच में, तो ये वायर का है तो मुझे गाइस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिला कि वायर मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें कि इस तरह से क्या है गाड़ी को बिल्कुल खुला पड़ा है एक तरह से, तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बाकी पहले वाली स्प्लेंडर में बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी, तो वो काफ़ी बेटर थी इसके मुकाबले। तो गाइस अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमने i3S क्यों नहीं लिया। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि गाइस i3S इंसान को जिस तरह से मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल लेजी बनाती जा रही है, टेक्नोलॉजी जैसी जैसी आ रही है गाइस मार्केट में वो बिल्कुल इंसान को लेजी बनाती जा रही है। अगर मैं आपको ये कहूँ, जैसे कंपनी ये बताती है कि आप कहीं सिग्नल पर खड़े होते हैं या फिर गाड़ी आपकी यूज़ नहीं आ रही, इग्निशन चालू है, और अगर गाड़ी न्यूट्रल में है तो आप क्लच छोड़ सकते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो गाइस ये बिल्कुल सही है, बट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी अगर आपकी जो बाइक है, अगर आपकी बाइक वहाँ पे सिग्नल पे कहीं पे खड़ी है, और उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जरा सा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ की लॉक करना है, दैट्स इट, तो आपका इग्निशन वैसे ही बंद हो जाएगा। बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी को जैसे दिखाया गया है, तो गाइस टेक्नोलॉजी के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंप्लीटली सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये i3S, और सेंसर किस तरह से काम करते हैं, क्लच के ऊपर इसका सेंसर सेट किया गया होता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लच को बंद कर देते हैं उसके बाद क्लच गाइस यहाँ से घिसना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रेक से ज़्यादा क्लच यूज होता है, तो उसकी वजह से जो है, एक सेकंड में मेरे पार्टनर की हेल्प ले लेता हूँ। यहाँ पे जो है आप लोगों को पर्स, इसको प्लीज़ प्रेस करो आप एक बार,
तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ये जो चीज घिसनी यहाँ से शुरू हो रही है। तो गाइज सेंसर में अगर यहाँ पे कोई सेंसर लगा होता है, लेट सपोज ये गाड़ी i3s होती है, तो गाइज यहाँ पर इसका एक सेंसर लगा हुआ होता है। तो गाइज सेंसर जैसे जैसे घिसना शुरू होता है, जैसे जैसे आपका एक क्लच लीवर जो है ये घिसने शुरू होता, उसकी वजह से आपका सेंसर भी काम करना बंद कर देता। तो गाइज हर दूसरी सर्विस में आपको यही प्रॉब्लम आती कि आपका i3s काम नहीं कर रहा होता। और जब भी आप सर्विस में मैकेनिक को बताते कि इसका i3s काम नहीं कर रहा, वो सबसे पहले आपका क्लच ही चेंज करवाएगा। तो गाइज ये आप लोगों को एक बड़ी चीज देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे ही आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपके i3s क्यों काम नहीं कर रहा, जब आपको मैकेनिक बताएगा कि बॉस इसका क्लच घिस चुका है, तो आपको क्लच लीवर बिल्कुल सही होने के बावजूद भी आपको क्लच लीवर आपको चेंज करवाना पड़ेगा। तो गाइज ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए मैंने i3s बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि i3s मुझे इतना लेजी बना देगा कि मैं चाबी तक बंद नहीं करना चाहूंगा एंड मुझे खड़ी गाड़ी ही बंद चाहिए होगी। तो गाइज इतना आलसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने ये गाड़ी को सजेस्ट किया कि बिना i3s की गाड़ी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये सजेशन, मेरा ये फीडबैक आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें आपकी i3s के बारे में राय जाननी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, हमारे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, प्लस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच।